गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चाइल्ड में फिर से स्वागत। आज प्रश्नावली 8.1, प्रश्न संख्या 10, त्रिभुज PQR में जिसका क्यू कोण समकोण है, क्यू कोण समकोण है PR और QR 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो हमको मान निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। यानी पी कोण से फोकस करना, पी कोण पर फोकस करना है, तो कोण के ठीक सामने की भुजा लंब होती है, दिखाया गया है, और 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और रेस्ट जो होता है वह आधार होता है। तो इसमें देखते हैं, इससे पहले वाले जितने सवाल को हमने बनाया उसमें देखे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में दो भुजा दिया हुआ होता था, लेकिन इसमें क्या किया है कि केवल PQ केवल 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है PQ, और ये दोनों भुजा मिला के दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में हमको एक को मानना होगा, जो कि मान लेंगे, मान लिया जाए इसको हम QR को एक्सियम मान लेते हैं। तो दो भुजा हो गए, एक भुजा हो गया आधार और एक भुजा हो गया लंब, दो भुजा हो गया। अब देखना यह है कि जो पहले हमको दिया हुआ है उसको हमको लिख देना है। पहले लिख देते हैं त्रिभुज, यहां से लिख देते हैं त्रिभुज PQR में दिया हुआ है PR जोड़ QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और दिया और क्या दिया PQ बराबर दिया 5 सेंटीमीटर, और इसको हम QR को माने हैं कि माना कि QR बराबर XCM माने हैं। जब QR को अगर XCM मानेंगे तो इसीलिए क्या हो जाएगा, PR बराबर इस ऊपर वाला से PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ये QR बराबर तो उधर जाएगा, तो QR का मान रखे हैं एक्स, तो एक्स हो जाएगा, यानी कि PR बराबर 25 माइनस XCM हो गया। यानी हम लिख सकते हैं कर्ण के जगह पर माना हुआ कर्ण 25 माइनस XCM, इतना तो लिख सकते हैं। अब इसमें देखना है PR भी हम माना हुआ PR 25 माइनस XCM निकल गया, और XCM तो मान ही लिए हैं। अब हमको निकालना क्या है, इसमें क्या निकालना होगा, अब लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से होगा कि PQR का स्क्वायर जोड़ PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR का स्क्वायर। अब मान बैठाइए QR दिया Q और R दिया X, X का स्क्वायर, और PQ दिया है कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसको लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, इसका हो गया PQ हो गया 5 का स्क्वायर हो गया, और PR जो है 25 माइनस X का स्क्वायर, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिख दिए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, X स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इसको जो है a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको खोलना है, जो कि होता है
क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 280। तो ऐसा ही करते हैं ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 25 इंटू बी एक्स। यहां तक स्पष्ट है, फिर आगे बढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 जो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स हो जाएगा, यहां पर 50x हो जाएगा। अब देखिए समीकरण के नियम के मुताबिक बराबर के इधर और बराबर के उधर अगर कोई सेम चीज मिल रहा है तो उसको आप काट सकते हैं। अब इसमें देखना है कि 50x को बराबर के उधर है इधर ले आए तो प्लस में आ जाएगा, तो 50x बराबर कितना हो गया 625 तो दिया ही हुआ है, ये बराबर की इधर में प्लस है उधर जाएगा तो घटेगा तो 25 हो गया। फिर आगे बढ़िए 50x बराबर 600 इसीलिए x बराबर हो गया 600 by 50 ये कट जाएगा 12 मतलब है तो 12 हो गया x का मान निकला। अब x को क्या मान रहे हैं QR, देखिए QR को माने यहां पर देखिए QR बराबर x है तो इसीलिए लिख सकते हैं QR बराबर 12 cm। ठीक है, अब QR निकल गया, अब PR भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं क्योंकि x का मान निकल गया है तो इसीलिए PR बराबर क्या होगा, PR बराबर क्या होगा 25, देखिए 25 हमारे x के जगह पर मान निकल गए हैं x का 12 तो 12 हो जाएगा यानी कि 13 cm। ये तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार देख लीजिए। अब देखना ये है कि जो जो मान दिया हुआ उसको हम लिख देते हैं, पी आर दिया कितना, पी आर देखिए पी आर 13 cm तो लिख देते हैं 13 cm। क्यू पी दिया ही हुआ था और क्यू आर निकाले 12 cm तो इसको हम लिख देते हैं 12 cm लिख देते हैं। अब हमको मान निकालना क्या थी, साइन पी का कॉस पी का टेन पी का, तो यहां पर लिखते हैं हम यहां से बना देते हैं साइन पी बराबर, साइन पी बराबर देखिए साइन पी बराबर लंब बट्टे कर्ण होगा, लंब बट्टे कर्ण लाल काका के फॉर्मूला से देखिए लंब बट्टा का एल फॉर लंब के फॉर कर्ण, साइन में साइन के लिए कॉस के लिए टेन के लिए होता है। ठीक है, इसी को फिर कॉट में कर जाएंगे तो इसी को उल्ट उलट उल्ट के जाएगा, तो साइन पी के लिए पहले हम निकाल लेते साइन पी बाय लंब बट्टे कर्ण लिख लीजिए, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण लंब इसमें कितना देख लीजिए 12 बट्टा कर्ण कितना 13। कॉस पी निकालिए, कॉस पी बराबर देखिए आधार बट्टे कर्ण लिख लीजिए, आधार बट्टा कर्ण, आधार आप देखिए कितना है, आधार है 5 cm तो 5 बाय कर्ण है 13 cm 13। फिर टेन पी बराबर निकाल लीजिए, टेन पी बराबर क्या होगा देखिए लंब बट्टे आधार लिख लीजिए, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार बराबर लंब कितना है इसमें देख लीजिए 12, आधार कितना है 5। इस प्रकार से साइन पी क्रॉस पी टेन पी तीनों का ये मान निकल गया, ये सब आंसर है। इस प्रकार से यह सवाल समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।